दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चल स्टडी मेकर डॉट 99 में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपको रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो कि आपका एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन दोनों के लिए। जैसे कि एसएससी जीडी का पेपर तेईस के अंदर होने वाले हैं, 2022 में आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, तो इन दोनों क्वेश्चनों को बार बार देखा गया है, 3 से 4 बार हर पेपर सेट में इनको देखा गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताएंगे, अगर नहीं आते तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इनकी विथ ट्रिक कैसे सॉल्व करना है और आंसर हम आपको बताने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इनके लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने से पहले आपको उनके नंबरिंग के अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि 1 से लेकर 26 वर्ड होते हैं आपके पूरे के पूरे ए टू जेड के अंदर, लेकिन सभी के सभी नंबरिंग, जैसे कि एच कितने नंबर पे आता है, यू कितने नंबर पे आता है या एन कितने नंबर पे, टी ई आर, हर एक का नंबर फिक्स होता है जो कि नंबर आना चाहिए, क्योंकि नंबर आप इसके ऊपर फिट करेंगे आंसर खुद के खुद आपको ऊपर दिखने लगता है। तो वो कैसे करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि एच है तो H कितने नंबर पे आते हैं, तो H आता है आपके 8 नंबर पर। U कितने नंबर पे आता है, तो U आता है आपका 21 नंबर पर। N आता है आपका 14 नंबर पर। T आता है आपका 20 नंबर पर। E आता है 5, R आता है 18। इस प्रकार से आपको हर एक नंबर अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे U है 21 नंबर पर, 8 नंबर पर, 9 नंबर पर, 14, और ये है आपका 18, और ये है आपका 5। देखिए दोनों संख्याओं के ऊपर नीचे आपका कर लिया और यहाँ पे आपको बताना है। जैसे कि देखिए 21 लिख दिया, H है एच, यानी कि 8 लिख दिया। जैसे किस प्रकार से हो रहा, देखिए इस प्रकार से, देखिए T यहाँ पे, N यहाँ पे, R यहाँ पे, E यहाँ। उसके पहले आपको पता नहीं चल रहा था, नंबरिंग आपने की तो आपको आपके आप संख्या से लिखना दिखना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से इसका करेंगे हम कि M होता है आपका 13 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे, 1, 7 और 5। इसको हम इसी प्रकार से लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे A है यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देंगे A, M है यहाँ पे तो M लिख देंगे यहाँ पे, A है यहाँ पे तो N, A यहाँ पे और N लिख देंगे हम यहाँ पे, E यहाँ पे, सॉरी E है, S नहीं है, E है और N है, G है, तो यहाँ पे देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, M A N A E G, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताते चलिएगा। एक जे इम्पोर्टेंट था, एक है आपका इम्पोर्टेंट जो कि नंबर सीरीज का है, 4, 5, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिए हैं, लास्ट अंक है जो कि गायब है। यहाँ पर सीरीज से रिलेटेड कौन सा अंक आएगा जो कि यहाँ पे आपको बताना है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले सीरीज में हमें अंतर देखना पड़ता है कि 14 से 20 बनने में कितना प्लस हुआ या माइनस हुआ वो देखेंगे। तो देखिए 14 से अगर हम 16 की बात करें तो कितना प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ। यहाँ पे 20 से 34 की अगर हम बात करें तो देखिए 14 प्लस हुआ, और 34 से 72 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हुआ 38 प्लस हुआ, 34, 72 से 182 की बात करें तो 110 हुआ। तो क्या देखिए ये कोई सीरीज आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है। जैसे कि 6, 14, 38 और 110 के यहाँ हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी सीरीज हमारी कंप्लीट नहीं हुई, तो एक अंक और नीचे सीरीज हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 8 का अंतर, यहाँ पे 14 से 38 पे अंतर देखेंगे तो 24 का अंतर, 24 से 110 का अंतर देखेंगे तो हमारा होता है 72 का। तो आगे अब ये आगे पता चला, तो जी हाँ देखिए 8 में हुआ है 3 का गुणा तो 24 बना, फिर 24 में हमने 3 का गुणा किया तो 72 बना, 72 में हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या 216 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 216। इसमें हम गुणा करेंगे कितने में, 3 में, तो 216 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, थोड़ी 216 हमारा आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 30, अब हम इसमें अगर गुणा कर देंगे तो हमारी ऊपर वाली संख्या है जो निकल के आ जाएगी कितनी, 326 निकल के आ जाएगी। इसमें हम 110 को इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा कितना, सही उत्तर की बात हो रही है यहाँ पे आएगा हमारा 508। इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, जैसे कि 182 को
336 को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 और ये 8 हो गया, और ये 10 और 1 हमारा 11, और 5 को इन पे 3 पे माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और 1 ये 400, हमारा 508 हो जाएगा। यानी कि 508 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन से भी खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहें। दोस्तों हम आपको बता दें कि रोज दोपहर में 1 PM पे आपको इस चैनल पे GK GS की क्लास अपलोड कराई जाती है। रात को 8 PM पे आपके लिए मैथ की क्लास अपलोड कराई जाती है, और सुबह 8 AM